अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों के बीच से निकलकर एक विशाल स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। न जाने किस ग्रह से आया वो एलियन स्पेसशिप पृथ्वी के करीब पहुंचकर अचानक कहीं गुम हो गया। अंटार्कटिका महाद्वीप, समय सन 1982। पृथ्वी के सबसे ठंडे महाद्वीप पर हड्डियां गला देने वाली सर्द लहरों के बीच एक हेलीकॉप्टर में सवार दो नॉर्वेजियन आदमी दूरबीन से किसी की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उनकी तलाश एक लाचार कुत्ते पर आकर खत्म हुई, जो बर्फीले मैदान में उन्हीं से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पायलट ने झट से उस कुत्ते की तरफ हेलीकॉप्टर घुमा दिया। अगले ही क्षण दूसरे आदमी ने अपनी राइफल से उस भागते कुत्ते को शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुत्ता उसकी हर गोली से बचता हुआ बर्फीले मैदान में भागता जा रहा था। न जाने उस आदमी की उस मासूम कुत्ते से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने अब कुत्ते पर बॉम्ब गिराना भी शुरू कर दिया। वो कुत्ता किसी तरह बचते बचाते अमेरिका के उस रिसर्च बेस पर जा पहुंचा, जहां 12 अमेरिकी विशेषज्ञों की एक टीम अंटार्कटिका महाद्वीप के रहस्यों की खोज करने आई थी। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर रिसर्च बेस पर काम कर रहे कुछ विशेषज्ञ जब अपने कैंप से बाहर निकले, तो वो कुत्ता मदद की आस में एक विशेषज्ञ से जाकर लिपट गया। इतने में ही वो हेलीकॉप्टर भी रिसर्च बेस के करीब उतर गया। उसमें मौजूद उस आदमी के सिर पर जैसे खून सवार था। उसने बक्से से एक और बॉम्ब निकाला और उसे कुत्ते को थामे उन अमेरिकी विशेषज्ञों की ओर फेंकने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, तभी ठंड में कम कपाते उसके हाथ से वो बॉम्ब छूटकर उसके पीछे हेलीकॉप्टर की तरफ जा गिरा, और उस बॉम्ब के धमाके ने हेलीकॉप्टर के साथ साथ पायलट के भी परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन अपने साथी की परवाह न करते हुए वो सनकी नॉर्वेजियन अपनी मूल भाषा में अमेरिकियों के आगे कुछ बड़बड़ाने लगा, हालांकि उसकी भाषा अमेरिकी टीम के सिर के ऊपर से गई। अगले ही पल उसने फिर से कुत्ते पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी अफरा तफरी में उसकी एक गोली कुत्ते को संभाले उस अमेरिकी विशेषज्ञ के पैर को छूती हुई निकल गई, जिससे घबराकर सभी ने उस नॉर्वेजियन आदमी का रास्ता छोड़ दिया। वो आदमी पागलों की तरह गोलियां चलाता हुआ कुत्ते के पीछे भाग ही रहा था कि तभी कैंप की खिड़की से उस पर निशाना साधे अमेरिकी टीम के कमांडर ने अपनी बंदूक से उस आदमी की आंख ही फोड़ डाली, जिससे उस आदमी ने वहीं प्राण त्याग दिए। मामला ठंडा होते ही अमेरिकी रिसर्च टीम ने पता लगाया कि वे दोनों नॉर्वेजियन आदमी असल में नॉर्वेजियन रिसर्च टीम के सदस्य थे, जो उनकी तरह ही अंटार्कटिका के एक दूसरे हिस्से में रिसर्च करने आए थे। नॉर्वेजियन टीम में कुल 10 लोग थे, जिनमें से 2 तो अब मर चुके थे, पर आखिर वे दोनों उस मासूम कुत्ते को मारने पर क्यों तुले हुए थे? ये सवाल सारे विशेषज्ञों को परेशान कर रहा था। इस पर टीम के डॉक्टर ने अनुमान लगाते हुए कहा, हो सकता है इन दोनों ने किसी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो, और मुझे तो ये भी डर है कि कहीं पागलपन में इन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ना मार दिया हो। लेकिन आखिर वे दोनों पागल हुए कैसे? डॉक्टर की ये जिज्ञासा उसे मन ही मन खाए जा रही थी। इस राज से पर्दा उठाने के लिए उनका नॉर्वेजियन रिसर्च बेस पर जाना जरूरी था। डॉक्टर ने देरी नहीं की और तुरंत पायलट मैक के साथ नॉर्वेजियन रिसर्च बेस की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वे दोनों जब वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा रिसर्च बेस जलकर नष्ट हो चुका था। वे उनके तबाह हो चुके कैंप में जाकर खोजबीन करने लगे। तभी उन्हें वहां एक कमरे के दरवाजे पर एक कुल्हाड़ी घुसी हुई दिखाई दी, जो खून से सनी थी। वे जब उस कमरे में गए तो मालूम चला कि कोई उस दरवाजे को अंदर से ब्लॉक करने की कोशिश में था। डॉक्टर जब उस कमरे में थोड़ा आगे गया तो उसे अपने पैरों के नीचे खून के निशान नजर आए। उस खून से होते हुए डॉक्टर की नजरें जब सामने की ओर गई तो उसने वहां एक भयानक मंजर देखा। सामने कुर्सी पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके हाथ में एक उस्तरा था, जिससे उसने अपनी ही गर्दन काट ली थी। साथ ही उसने अपने दोनों हाथों की नसें भी काट ली थी, जिससे बहता खून ठंड में जमकर बर्फ बन चुका था। आखिर उस जगह पर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वो आदमी खुद को ऐसी भयानक मौत देने पर मजबूर हो गया? ये सोचकर ही डॉक्टर का दिल दहल उठा। वहीं एक दूसरे कमरे में मैक को एक बर्फ की बड़ी सी सिली मिली, जिसके अंदर रखी किसी चीज को अब बाहर निकाला जा चुका था। शायद वो चीज किसी प्राचीन जानवर का फॉसिल यानी कि जीवाश्म होगा। ये अनुमान लगाते हुए डॉक्टर और मैक कैंप से बाहर आए ही थे कि तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग को झिंझोड़ कर रख दिया। उनके सामने एक अजीब से प्राणी की जली हुई लाश पड़ी थी। वो लाश किसी इंसान की थी या किसी जानवर की, ये समझना उनके लिए भी मुश्किल था। उनकी खोजबीन उस लाश पर आकर खत्म हो गई और वे नॉर्वेजियन के कुछ जरूरी दस्तावेजों और सामानों के साथ उस जली हुई लाश को लेकर अपने रिसर्च बेस पर वापस लौट आए। इसी दौरान नॉर्वेजियन से बचकर आया वो कुत्ता खिड़की से उन पर अपनी नजरें गड़ाए खड़ा था। उन्होंने उस लाश को ले जाकर ऑटोप्सी रूम में रख दिया,
जहां सारे विशेषज्ञ उस लाश को घेरे हुए खड़े थे। उस लाश का चेहरा ऐसा था मानो उसकी खोपड़ी अपनी ही खाल से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उसे देख वे सारे विशेषज्ञ भयभीत हो चुके थे। वहीं वो कुत्ता अब ऑटोप्सी रूम में भी पहुंच गया और उस लाश को घूरने लगा। इसी बीच बायोलॉजिस्ट ने उस लाश की ऑटोप्सी शुरू की। उसने जब उसका हर एक अंदरूनी अंग बाहर निकाला तो पता चला कि वो एक इंसान की ही लाश थी। लेकिन किसी इंसान का रूप इतना भयानक कैसे हो सकता है? इस सोच ने सारे विशेषज्ञों को असमंजस में डाल दिया था। इसी तरह दिन ढल गया। दिन भर के काम से थक चुके सारे विशेषज्ञ रात के वक्त गेम्स खेलकर अपना मन बहला रहे थे। उन 12 लोगों की टीम में एक डॉग ट्रेनर भी था जो बर्फ में स्लेड कार्ट खींचने वाले कुत्तों की देखरेख करता था। उस डॉग ट्रेनर ने नॉर्वेजियन से बचकर आए उस कुत्ते को जब कैंप में यहाँ वहाँ भटकते देखा तो उसने बाकी कुत्तों के साथ उसे भी पिंजरे में ले जाकर बंद कर दिया। वो कुत्ता बिल्कुल शांत था। वो सो रहे बाकी कुत्तों के बीच आया और वहाँ बुत बनकर बैठ गया। तभी एकाएक बाकी कुत्तों ने उस पर ऐसे भौंकना शुरू कर दिया मानो उन्होंने किसी शैतान को देख लिया हो। अचानक उस कुत्ते के मुंह से खून की धार बहने लगी और देखते ही देखते उसकी खोपड़ी उसकी खाल से बाहर निकल आई। अब उस कुत्ते के मुंह की जगह सिर्फ उसकी जीभ बाहर लपलपा रही थी और उसके पूरे शरीर से लगातार टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे। वो कुत्ता एक भयानक प्राणी का रूप ले चुका था। उसे देख बाकी कुत्ते डरकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अगले ही पल उस प्राणी के शरीर से मकड़ी जैसे पैर बाहर निकल आए और उसने उन भाग रहे कुत्तों पर कोई चिपचिपा तरल पदार्थ छोड़ना शुरू कर दिया। उधर डॉग ट्रेनर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर वापस पिंजरे की तरफ आया। उसने जैसे ही पिंजरा खोला, उसके ऊपर से उछलकर कुछ कुत्ते भाग खड़े हुए। अगले ही पल डॉग ट्रेनर को पिंजरे से बाहर आते उस प्राणी के टेंटेकल्स दिखे, जिसे देख डर के मारे उसने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत अपने साथियों को वहां बुला लिया। वे सभी सहमे हुए थे। मैक बंदूक लिए उनकी अगुवाई कर रहा था। वे दबे पांव जैसे ही पिंजरे के करीब पहुंचे तो अंदर का भयानक दृश्य देख उनका कलेजा तक कांप उठा। उन्होंने देखा कि वो प्राणी कुत्ते की खाल से पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसका मुंह उसके पेट पर था और पैर उसके पिछले हिस्से पर। वो नर्क से जन्मे किसी प्राणी की तरह दिख रहा था। देखते ही देखते उसने अपने शरीर से टेंटिकल्स निकालकर उसे बाकी कुत्तों पर लपेटना शुरू कर दिया। ये देख मैक और कमांडर उस पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन उस प्राणी पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। तभी उसके शरीर से दो बड़े हाथ बाहर निकल आए और उन हाथों के सहारे वो छत से लटक गया। अब उसके शरीर पर हर जगह आंखें भी निकल आई थी। देखते ही देखते वो प्राणी और भी ज्यादा भयानक रूप लेता जा रहा था। तभी टीम का चीफ मैकेनिक फ्लेम थ्रोअर लेकर वहां आ पहुंचा और फ्लेम थ्रोअर से उस प्राणी को भून कर रख दिया। लेकिन इससे पहले कि वो प्राणी जलकर राख हो जाता, उन्होंने उसकी आग बुझा दी और उसकी जांच करने उसे उठाकर ऑटोप्सी रूम में ले आए। सारे विशेषज्ञ अब भी सदमे में थे, लेकिन उन्हें ये जानने की जिज्ञासा भी थी कि आखिर वो प्राणी है क्या चीज। इसका पता लगाने के लिए सीनियर बायोलॉजिस्ट ने उस प्राणी की चीर फाड़ शुरू की। वो ये देख घबरा गया कि उस प्राणी के पेट में एक और कुत्ता विकसित हो रहा था। सीनियर बायोलॉजिस्ट ने जब आगे की छानबीन की तो उसे उस प्राणी के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। उसने अपने साथियों को बताया, इस प्राणी के पेट में हमें जो कुत्ता मिला है, असल में वो कुत्ता नहीं बल्कि इस प्राणी द्वारा ही पैदा की हुई हमारे कुत्ते की एक नकल है। दरअसल हम सभी जीवों का शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है। जब इस प्राणी ने हमारे कुत्ते पर हमला किया था, तब ये अपने टेंटिकल से उस कुत्ते के सेल्स को अपने अंदर सोखता जा रहा था। साथ ही ये प्राणी अपने सेल्स से उस कुत्ते की एक नकल भी बनाता जा रहा था। अगर ये उस कुत्ते के सारे सेल्स को सोख लेता तो उस कुत्ते का अस्तित्व ही मिट जाता और ये प्राणी उस कुत्ते का रूप लेकर हमारे बीच आ जाता। लेकिन ये प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही हमने इसे जला दिया। उस विचित्र प्राणी का ये दिल दहला देने वाला राज जानकर सारे विशेषज्ञ दंग रह गए। उनके मन में ये सवाल घर कर गया कि आखिर ये अजीब प्राणी नॉर्वेजियन रिसर्च टीम के पास आया कहां से था। इसका जवाब जानने के लिए वे लोग नॉर्वेजियन रिसर्च बेस में मिले वीडियो फुटेज देखने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि नॉर्वेजियंस बर्फ में दफन किसी बड़ी सी चीज को खोज करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। आखिर वो कौन सी बड़ी चीज उनके हाथ लगी थी जिसने आगे चलकर उनके जश्न को मातम में बदल दिया। इस रहस्य का पता लगाने मैक तुरंत असिस्टेंट मैकेनिक और जियोलॉजिस्ट के साथ उस जगह की ओर रवाना हो गया। वे हेलीकॉप्टर से वहां लैंड हुए। वहां उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। वे जब उस गड्ढे के करीब पहुंचे तो उस गड्ढे के अंदर देखकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गए। वे उस गड्ढे में एक विशाल एलियन स्पेसशिप देख रहे थे। उस स्पेसशिप की स्थिति को देखकर जियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया
कि वो स्पेसशिप हजारों साल पहले उस जगह पर उतरा होगा। उसी जगह से थोड़ी दूरी पर उन्हें एक छोटा चौकोर गड्ढा भी दिखा। उस गड्ढे को देखकर मैक ने अनुमान लगाते हुए कहा, मुझे लगता है हजारों साल पहले उस स्पेसशिप से कोई एलियन जीव बाहर निकलकर इस जगह तक आया होगा, लेकिन वो अंटार्कटिका की कुल्फी जमा देने वाली ठंड में जम गया और उसी वक्त से अब तक वो बर्फ की एक सिली में यहाँ दफन था। लेकिन बदकिस्मती से नॉर्वेजियंस ने बर्फ की सिली में दफन उस एलियन जीव को ढूंढ निकाला और वे उस पर रिसर्च करने उसे बर्फ की सिली समेत उठाकर अपने रिसर्च बेस पर ले गए। वहां पर उन्होंने उस एलियन को बर्फ से आजाद कर दिया होगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती से वो एलियन दोबारा जीवित हो उठा और उसने उन नॉर्वेजियंस और उनके कुत्तों को अपने अंदर सोख कर उनका अस्तित्व ही मिटा दिया। शायद वही एलियन जीव कुत्ते का रूप लेकर अब हम तक आ पहुंचा है। ये पता चलते ही मैक और उसके साथी अपने रिसर्च बेस पर वापस लौट आए। वहां अब भी कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले उनका सामना जिस प्राणी से हुआ था वो असल में दूसरे ग्रह से आया एक एलियन जीव था। इसी बीच उनका कुक एक फटी मैली टी शर्ट लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ और उसे अंदर फेंकता हुआ बोला, ये किस नामुराद ने अपनी गंदी टी शर्ट मेरे किचन के सिंक में डाल रखी थी। हालांकि सिंक में किसी का फटा कपड़ा मिलना अजीब तो था, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके दिमाग में उस वक्त उस एलियन जीव को लेकर कई सवाल घूम रहे थे। अब इस एलियन जीव के गहरे राज से पर्दा उठाने के लिए सबकी उम्मीदें सीनियर बायोलॉजिस्ट पर टिकी थी। कुछ ही देर बाद उसने उस कुत्ते के खून की जांच शुरू कर दी जिस पर उस एलियन कुत्ते ने हमला किया था। जांच के दौरान उसने देखा कि उस कुत्ते के खून में अब कुछ एलियन के सेल्स भी मौजूद थे। वो एलियन सेल्स बड़ी तेजी से कुत्ते के सेल्स को सोख रहे थे, साथ ही वो एलियन सेल्स कुत्ते के सेल्स का रूप भी ले रहे थे, यानी कि कुछ समय बाद वो कुत्ता भी एलियन कुत्ते में बदल जाएगा। सीनियर बायोलॉजिस्ट समझ गया कि अगर उस एलियन का एक भी सेल किसी जीवित इंसान या जानवर के अंदर चला जाए तो वो एक सेल ही उस इंसान या जानवर को अंदर ही अंदर पूरी तरह एलियन में बदल सकता था। सीनियर बायोलॉजिस्ट को अब ये डर सताने लगा कि उनके टीम मेंबर्स भी तो उस एलियन कुत्ते के संपर्क में आए थे। हो ना हो उस एलियन कुत्ते ने उनमें से किसी न किसी पर तो अपने सेल्स छोड़कर उन्हें भी इन्फेक्ट जरूर किया होगा। सीनियर बायोलॉजिस्ट ने जब कंप्यूटर पर इस पॉसिबिलिटी की जांच की तो कंप्यूटर का जवाब आया, 75% चांस है कि उनके एक या एक से अधिक टीम मेंबर्स एलियन जीव से इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद सीनियर बायोलॉजिस्ट ने कंप्यूटर से पूछा, अगर ये जीव अंटार्कटिका से निकलकर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया तो क्या होगा। जवाब आया, वो एलियन लगभग 3 सालों में ही पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान पर कब्जा करके पूरी मानव जाति का वजूद ही मिटा देगा। वो जवाब पढ़कर सीनियर बायोलॉजिस्ट डर से कांप उठा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ड्रॉर से एक बंदूक निकाल ली। उसके बाद उसने मेटीरियोलॉजिस्ट और रेडियो ऑपरेटर को एलियन के जले हुए अवशेषों को स्टोर रूम में रखकर उन्हें सील करने का काम सौंप दिया, जिसके बाद सारे लोग स्टोर रूम से अपना सामान खाली करने लगे। वहीं मैक जब उस स्टोर रूम में अपना सामान लेने पहुंचा, तभी असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट उससे कुछ जरूरी बात करने उसे अपने साथ ले गया। उनके जाते ही रेडियो ऑपरेटर भी स्टोर रूम की चाबी लेने कमांडर के पास चला गया। इस दौरान मेटीरियोलॉजिस्ट स्टोर रूम में उन एलियन के अवशेषों के साथ बिल्कुल अकेला था। वहीं कैंप के बाहर असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट मैक के साथ एक ट्रक में बैठा था। उसने मैक को बताया, जब से सीनियर बायोलॉजिस्ट ने एलियन पर रिसर्च करना शुरू किया है तब से उनका बर्ताव कुछ बदल सा गया है। अब तो उन्होंने खुद को अपने कमरे में ही बंद कर लिया है। उनका ये अजीब बर्ताव देख मैं लैब से उनके रिसर्च नोट उठा लाया। असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट ने वो रिसर्च नोट पढ़ना शुरू किया। ये एलियन जीव ब्रह्मांड के किसी भी जीव की नकल कर सकता है। ये एक ही समय में अनगिनत जीवों के रूप में हो सकता है। न जाने कितने ग्रहों पर कब्जा करने के बाद अब ये एलियन पृथ्वी के जीवों पर अपना कब्जा करने आया है। ये एलियन अंधेरे में अपना शिकार करता है। किसी भी जीव पर कब्जा करने के लिए इसे चाहिए कि वो जीव अकेला हो और इसके करीब हो। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि हमारे स्टोर रूम में मौजूद एलियन के जले हुए अवशेषों में उनके सेल्स अब भी जीवित हैं। ये सुनकर मैक बेचैन हो उठा। उधर दूसरी ओर रेडियो ऑपरेटर चाबी लेकर जब स्टोर रूम में पहुंचा तो अपने सामने एक खौफनाक दृश्य देख उसका कलेजा ही मुंह को आ गया। उसने देखा एलियन के उन जले हुए अवशेषों से निकले टेंटेकल्स ने मेटीरियोलॉजिस्ट को पूरी तरह सोख लिया था और अब वो एलियन मेटीरियोलॉजिस्ट के रूप में ढलने की प्रक्रिया में था। ये देख रेडियो ऑपरेटर भागता हुआ बाहर गया और जल्दी से मैक और असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट को वहां बुला लाया। लेकिन तब तक मेटीरियोलॉजिस्ट का रूप ले चुका वो एलियन खिड़की तोड़कर भाग निकला था। हालांकि उसके शरीर का कुछ हिस्सा अब भी पूरी तरह इंसानी स्वरूप में नहीं आया था।
इसलिए वो एलियन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जल्द ही मैक और उनके साथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उस एलियन के अविकसित हाथ किसी पेड़ के जड़ की भांति दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल वो एलियन एक अजीब सी आवाज में चीखने लगा, मानो वो उन्हें खुद से दूर जाने की धमकी दे रहा हो। पर तभी मैक ने पेट्रोल डालकर उस एलियन को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद मैक और उसके साथी देर न करते हुए बाकी एलियन के अवशेषों को भी स्टोर रूम से बाहर ले आए और उसे जलाकर बर्फ में दफन करने लगे। इस दौरान वहां सारे विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन सीनियर बायोलॉजिस्ट कहीं गायब था। एलियन के सारे अवशेषों का सफाया करने के बाद जब बाकी विशेषज्ञ कैंप के अंदर चले गए, तभी मैक ने सीनियर बायोलॉजिस्ट को हेलीकॉप्टर से निकलकर कैंप की तरफ भागते देखा। जब मैक हेलीकॉप्टर के पास गया तो देखा कि सीनियर बायोलॉजिस्ट ने हेलीकॉप्टर के सारे पुर्जे गायब कर दिए थे। तभी कैंप के अंदर से आती चीखें सुनकर मैक जब भागता हुआ कैंप के अंदर पहुंचा तो देखा कि सीनियर बायोलॉजिस्ट बौखलाया हुआ एक कुल्हाड़ी से उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट कर रहा था। न जाने उस पर कौन सा पागलपन सवार था कि जब भी कोई उसके करीब जाता तो वो पागलों की तरह उस पर गोलियां चलाने लगता। यहाँ तक कि उसने रेडियो ऑपरेटर को भी चोटिल कर दिया था। इसी बीच मैकेनिक ने मैक को बताया कि सीनियर बायोलॉजिस्ट ने उनके सारे ट्रक्स के पार्ट भी गायब कर दिए हैं और साथ ही उसने कार्ड खींचने वाले सारे कुत्तों को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर मैक चकित रह गया। तभी सीनियर बायोलॉजिस्ट के बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। तब मौका पाकर मैक और बाकी लोगों ने उसे धर दबोचा और उसे टूल्स रखने वाले कमरे में कैद कर दिया। सुबह तक सीनियर बायोलॉजिस्ट शांत हो चुका था, हालांकि अभी भी उसके माथे पर परेशानी की शिकन साफ नजर आ रही थी। उसने मैक से कहा, मुझे एक बात मन ही मन खाए जा रही है, न जाने वो एलियन अब तक हमारी टीम के कितने मेंबर्स का रूप ले चुका होगा। मुझे डर है कि वो एलियन यहाँ से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुँचने की फिराक में है, इसलिए मैंने सारे व्हीकल्स को नष्ट कर दिया ताकि वो एलियन इस जगह से दूर न जा पाए। बायोलॉजिस्ट ने मैक से आगे कहा, तुम डॉग ट्रेनर पर कड़ी निगरानी रखना, क्योंकि डॉग ट्रेनर ही सबसे ज्यादा समय उस कुत्ते के रूप में आए एलियन के साथ था। सीनियर बायोलॉजिस्ट की बातों ने अब मैक के दिमाग में भी शक के बीज बो दिए थे। वो बाहर आया और अपने बाकी साथियों को भी इस खतरे से सतर्क किया। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा पाए कि हम में से कौन एलियन है और कौन इंसान? इस पर डॉक्टर ने थोड़ा सोच विचार कर कहा, अगर हम टीम के हर एक सदस्य के खून को शुद्ध खून से मिलाएं तो हम में से जो भी एलियन होगा उसका खून शुद्ध खून के साथ कोई रिएक्शन तो जरूर दिखाएगा। इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हम में से कौन एलियन है। खुशकिस्मती से ये टेस्ट करने के लिए उनके लैब में खून के ढेर सारे पैकेट्स मौजूद थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर खून के पैकेट्स लेने लैब में गया तो देखा कि किसी ने वो सारा खून जमीन पर बहा दिया था। ये देख डॉक्टर ने तुरंत बाकी लोगों को भी वहां बुला लिया। इस घटना के बाद तो मैक को यकीन हो गया कि उनके बीच कोई ना कोई एलियन तो जरूर था, जिसने अपना भांडा फूटने से बचाने के लिए ही सारा खून बहा दिया था। उसका सारा शक डॉक्टर और कमांडर पर था, क्योंकि ब्लड स्टोरेज की चाबी सिर्फ उन दोनों में से ही किसी एक के पास रहती थी। शक से घिरे कमांडर और डॉक्टर खुद को निर्दोष साबित करने में लगे थे कि तभी इस सबसे भयभीत हो चुका रेडियो ऑपरेटर वहां से भागा और उन दोनों को मारने के लिए बंदूक तैयार करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो बंदूक में गोलियां भर पाता, कमांडर ने वहां आकर उस पर ही अपनी बंदूक तान दी। तभी मैक के शांति से समझाने पर रेडियो ऑपरेटर ने बंदूक नीचे कर दी और कमांडर ने भी शक के घेरे में होने के कारण लीडरशिप छोड़ते हुए अपने हथियार डाल दिए। जब तक ये एलियन की पहेली सुलझ नहीं जाती, तब तक सभी ने आपसी सहमति से मैक को अपना नया लीडर चुन लिया। अब मैक को अपनी सूझबूझ से पता लगाना था कि उनमें से कौन एलियन है और कौन इंसान। मैक ने सबसे पहले डॉक्टर, कमांडर और डॉग ट्रेनर को बाकियों से दूर खड़ा कर दिया, क्योंकि सभी लोगों के शक की सुई उन तीनों पर ही अटकी हुई थी। उन्होंने उन तीनों को एक कमरे में ले जाकर बांध दिया और उनकी निगरानी करने लगे। इस दौरान मैक उस एलियन के बारे में पता चली सारी जानकारियों को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसका ध्यान उस कपड़े पर गया जो कुक को सिंक पर मिला था। उसे देख मैक ने ये अंदाजा लगाया कि एलियन ने जिसके भी शरीर को सोखकर उसका रूप लिया होगा, वो उसके कपड़े को सोख नहीं पाया होगा और उसने उसके फटे हुए कपड़े वहीं फेंक दिए होंगे। लेकिन वो कपड़ा इतना मैला कुचैला था कि उससे ये पता लगाना मुश्किल था कि वो कपड़ा है किसका। दूसरी ओर असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट भी सीनियर बायोलॉजिस्ट के एलियन पर किए रिसर्च को समझने की कोशिश में लगा था। तभी अचानक उसके कमरे की बत्ती गुल हो गई। वो कैंडल जलाकर कमरे से बाहर आ ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे से गुजरता किसी का साया नजर आया।
असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट डरा सहमा उस साए का पीछा करते हुए जब कैंप से बाहर आया, तभी उसे बर्फ में पड़ा ठीक वैसा ही फटा कपड़ा मिला जैसा कि एलियन किसी के शरीर पर कब्जा करने के बाद छोड़ जाता था। वो कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि मैक का ही था। असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट को कैंप से बाहर गए अब काफी समय बीत चुका था। बाकी टीम को उसकी चिंता होने लगी। तब मैक ने उनसे कहा, मैं असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट को ढूंढने जा रहा हूँ, कुक और रेडियो ऑपरेटर भी मेरे साथ चलेंगे। ये कहकर मैक उन दोनों को लेकर बाहर आ गया। बाहर बर्फीला तूफान धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा था। उस तूफान में मैक और उसके साथी असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें बर्फ में दबी किसी की जली हुई लाश मिली। उस लाश के साथ मिले चश्मे से पता चला कि वो असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट की ही लाश थी। उसे देख कुक ने घबरा कर कहा, हे ईश्वर, आखिर उस एलियन ने इसे जलाया क्यों? बाकी लोगों की तरह इसे भी सोख क्यों नहीं लिया? इस पर मैक ने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट को एलियन ने इन्फेक्ट कर दिया था, लेकिन वो एलियन पूरी तरह उस पर कब्जा कर पाता, उससे पहले ही असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट ने खुद को जलाकर अपनी हत्या कर ली होगी। मैक ने रेडियो ऑपरेटर से कहा, तुम कैंप में जाकर बाकियों को भी असिस्टेंट बायोलॉजिस्ट के मौत की खबर दे दो, मैं कुक के साथ अपने कैबिन में जा रहा हूँ। कुक ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन कैबिन में क्यों? मैक ने कहा, क्योंकि कैबिन से निकलने से पहले मैंने कमरे की लाइट्स ऑफ की थी, लेकिन अब वो जल रही है, जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। ये कहकर मैक कुक के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। इसी तरह काफी समय बीत गया, लेकिन मैक और कुक वापस लौटकर नहीं आए। मैक ने जाने से पहले अपने साथियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर वे 20 मिनट में वापस नहीं आए तो कैंप के सारे दरवाजे लॉक कर देना और उन्हें किसी के लिए भी मत खोलना। इस बात पर अमल करते हुए वे लोग कैंप के सारे दरवाजे अच्छी तरह लॉक करने लगे। तभी जियोलॉजिस्ट ने किसी को कैंप की ओर आते देखा। वो अपने साथियों को आवाज लगाने ही वाला था कि अचानक उसके सीने में दर्द सा उठा। दरअसल जियोलॉजिस्ट दिल की बीमारी से जूझ रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपने साथियों को वहां बुला लिया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि कुक अकेला ही वापस लौट आया था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने टीम को मैक का फटा हुआ शर्ट दिखाते हुए कहा, ये फटा हुआ शर्ट मुझे मैक के कमरे में मिला है, मैं किसी तरह उसे चकमा देकर भाग आया हूँ। उस फटे हुए शर्ट को देख सारे लोग समझ गए थे कि एलियन मैक के शरीर पर भी कब्जा कर चुका था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्हें पूरा यकीन था कि दरवाजे पर जरूर मैक ही होगा, इसलिए किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और मैक को ठंड में ही मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद उन्हें स्टोर रूम से खिड़की टूटने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर वे सारे स्टोर रूम की तरफ भागे। वो मैक ही था जो स्टोर रूम की खिड़की तोड़कर अंदर आ चुका था। उसने स्टोर रूम का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि उसे भी अंदाजा हो चुका था कि सारे लोग उस पर एलियन होने का शक कर रहे हैं। तभी गुस्से से बौखलाए मैकेनिक ने कुल्हाड़ी से स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ दिया। वो जब फ्लेम थ्रोअर से मैक को जलाने अंदर गया तो देखा मैक अपने एक हाथ में बॉम्ब और दूसरे हाथ में फ्लेयर जलाए लिए खड़ा था। मैक ने उनसे कहा, देखो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं एलियन नहीं हूँ। कोई मेरे फटे हुए कपड़े यहाँ वहाँ रखकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। अगर इसके बावजूद भी तुम में से किसी ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं बॉम्ब से अपने साथ साथ तुम सबके चिथड़े उड़ा दूंगा। ये सुनकर मौत के डर से सबने अपने हथियार डाल दिए। फिर मैक उस कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी कुक और जियोलॉजिस्ट ने पीछे से उसे दबोचने की कोशिश की, पर मैक ने उन्हें खुद से दूर गिरा दिया। इसी जद्दोजहद में अचानक जियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैक ने उन्हें जल्दी डॉक्टर को वहां बुलाने के लिए कहा। उसके बाद वे सभी लैब में आ गए, जहां डॉक्टर ने तुरंत जियोलॉजिस्ट का इलाज शुरू कर दिया। कुछ शुरुआती ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर ने जियोलॉजिस्ट को डिफाइब्रिलेटर से शॉक दिया, लेकिन जियोलॉजिस्ट का शरीर वैसे ही बेजान पड़ा रहा। ये देख डॉक्टर ने उसे दोबारा शॉक देने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक जियोलॉजिस्ट के पेट से एक बड़ा सा मुंह खुल गया और उसने डॉक्टर के दोनों हाथ काटकर धड़ से अलग कर दिए। ये देखकर सभी डर से कांप उठे। वो जियोलॉजिस्ट नहीं बल्कि उसके रूप में एलियन था। दरअसल एलियन जिसके भी शरीर की नकल करता था, वो उसकी यादें, आदतें और यहाँ तक कि उसकी बीमारियां भी कॉपी कर लेता था, जैसे कि उसने जियोलॉजिस्ट के दिल की बीमारी को भी कॉपी कर लिया था। हार्ट अटैक के बाद जब डॉक्टर ने एलियन को शॉक देने की कोशिश की थी, तब एलियन को लगा था कि डॉक्टर उस पर हमला करने वाला है, इसीलिए उसने डॉक्टर पर जवाबी हमला करने के चक्कर में अपना भेद खोल दिया था। अगले ही पल उसके पेट से जियोलॉजिस्ट का एक और सिर बाहर निकला और गुर्राने लगा।
ये देख मैक ने बिना देरी किए उसे फ्लेम थ्रोअर से भूनकर राख कर दिया। लेकिन तभी उस जियोलॉजिस्ट का दूसरा सिर धड़ से अलग होकर केकड़े में बदल गया और वो बचकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैक ने फ्लेम थ्रोअर से उसका भी काम तमाम कर दिया। इस घटना के बाद टीम के सारे सदस्यों का शक एक दूसरे पर और गहरा हो गया था। तभी मैक ने रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट मैकेनिक से सभी को बांधने के लिए कहा ताकि वो उनकी जांच कर सके, लेकिन वे सब तो मैक को ही एलियन समझ रहे थे। इसी बात पर उनमें झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच मौका पाकर डॉग ट्रेनर ने मैक को चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन मैक ने अपनी बंदूक से उसका ही भेजा उड़ा दिया। ये देख सारे लोग सन्न रह गए। फिर मैक के कहने पर रेडियो ऑपरेटर ने सारे लोगों को कुर्सी से बांध दिया, साथ ही उसने मर चुके डॉक्टर और डॉग ट्रेनर को भी टेबल से बांध दिया। एलियन का पर्दाफाश करने के लिए मैक के पास एक तरकीब थी। दरअसल जियोलॉजिस्ट की खोपड़ी को केकड़े का रूप लेता देख मैक समझ चुका था कि एलियन का हर एक अंग किसी अलग जीव का रूप ले सकता था, यहाँ तक कि उसके खून का एक टिश्यू भी एक अलग जीव में बदल सकता था। अगर इनमें से एलियन के किसी भी अंग या खून पर हमला किया जाए तो वे खुद को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैक ने रेडियो ऑपरेटर से बारी बारी सबके खून के सैंपल्स मंगवाए। फिर उसने एक तार को गर्म करके सबके खून के सैंपल्स को जलाना शुरू किया। मैक का आइडिया ये था कि उनमें से अगर कोई एलियन हुआ तो उसका खून गर्म तार के साथ कोई प्रतिक्रिया जरूर दिखाएगा। इस तरह मैक ने पहले रेडियो ऑपरेटर का खून चेक किया। खुशकिस्मती से उसका खून सामान्य था। फिर उसने मरे हुए डॉक्टर, डॉग ट्रेनर और साथ ही अपना खून भी चेक किया। उन तीनों के खून में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देख मैकेनिक और कमांडर को मैक का ये आइडिया बेतुका लगने लगा। लेकिन जब मैक ने असिस्टेंट मैकेनिक के खून में गर्म तार डाला तभी उसका खून किसी जीव की भांति उछलकर भागने लगा। मतलब साफ था, असिस्टेंट मैकेनिक भी एलियन ही था। अब जब एलियन का भांडा फूट गया था तो वो असिस्टेंट मैकेनिक का रूप छोड़कर बाहर आने लगा। ये देख उसके साथ बंधे बाकी लोग डर के मारे चीखने लगे। बदकिस्मती से उसी वक्त मैक का फ्लेम थ्रोअर भी जाम हो गया। अगले ही पल वो एलियन छत से लटक गया। रेडियो ऑपरेटर हिम्मत करके जब उसे जलाने गया तो वो एलियन एकाएक उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे अपने बड़े से मुंह में डालकर साबुत ही निगलने लगा। उसने रेडियो ऑपरेटर को लहूलुहान करके दूर फेंक दिया। अब इससे पहले कि वो एलियन बाकी लोगों के करीब आता, खुशकिस्मती से उसी वक्त मैक का फ्लेम थ्रोअर काम कर गया और उसने एलियन को जलाकर राख कर दिया। इसी दौरान एलियन से इन्फेक्ट हो चुका रेडियो ऑपरेटर भी एलियन में बदलने लगा था, पर वक्त रहते मैक ने उसे भी आग से भूनकर रख दिया। अब कैंप में मैक के अलावा केवल कुक, मैकेनिक और कमांडर ही बचे थे। मैक ने जब उन तीनों का भी खून चेक किया तो उनका खून भी सामान्य था। उनका एक दूसरे से शक दूर हो चुका था, इसलिए मैक ने तीनों को आजाद कर दिया। अब सिर्फ सीनियर बायोलॉजिस्ट ही था जिसका खून टेस्ट करना बाकी था। सीनियर बायोलॉजिस्ट अब भी टूल्स वाले रूम में कैद था। मैक, कुक और कमांडर के साथ उसका भी खून टेस्ट करने जाने लगा। इस दौरान मैकेनिक कैंप की रखवाली कर रहा था। जाते जाते मैक ने मैकेनिक को निर्देश दिए, अगर सीनियर बायोलॉजिस्ट हमारे बिना कैंप के अंदर आने की कोशिश करे तो तुम उसे बेझिझक जला देना। ये बताकर मैक, कुक और कमांडर के साथ जब सीनियर बायोलॉजिस्ट के कमरे में पहुंचा तो देखा कि सीनियर बायोलॉजिस्ट के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सीनियर बायोलॉजिस्ट वहां से गायब था। ये देख वे तीनों बौखला गए और सीनियर बायोलॉजिस्ट के कमरे की छानबीन करने लगे। इसी दौरान उन्हें फ्लोर के नीचे एक सुरंग नजर आई। वे तीनों जब उस सुरंग में गए तो उन्हें सुरंग के छोर पर एक अधूरी बनी एलियन स्पेसशिप दिखाई दी। उस स्पेसशिप में लगे हेलीकॉप्टर और ट्रक्स के पुर्जों को देखकर वे समझ गए कि एलियन उसी वक्त से सीनियर बायोलॉजिस्ट का रूप ले चुका था जब वो हेलीकॉप्टर और ट्रक्स को खराब कर रहा था। असल में वो उनके पुर्जों को चुराकर स्पेसशिप बना रहा था ताकि वो वहां से निकलकर आबादी वाले इलाके तक पहुंच सके। इसी छानबीन के दौरान उन्होंने देखा कि मैकेनिक कैंप से निकलकर बाहर की तरफ भाग रहा था। कुछ ही देर बाद पूरे रिसर्च बेस की बिजली गुल हो गई। मैक को पूरा यकीन था कि ये काम सीनियर बायोलॉजिस्ट का रूप ले चुके एलियन का ही होगा। मैक ने अपने साथियों से कहा, अगले 6 घंटों में यहाँ भयंकर बर्फीला तूफान आने वाला है जिससे तापमान 0 से भी कम हो जाएगा, और अगर बिजली नहीं रही तो बिना हीटर के हम सब ठंड में मर जाएंगे। लेकिन वो एलियन ठंड को झेल सकता है। वो एलियन यही चाहता है कि हमारे मरने के बाद वो सीनियर बायोलॉजिस्ट का रूप लिए ठंड में जम जाए और लंबे समय तक सोया रहे, ताकि जब हमारे बचाव दल यहाँ पहुंचे तो वो उस एलियन को सीनियर बायोलॉजिस्ट समझकर अपने साथ ले जाएं। और अगर एक बार वो एलियन आबादी वाले इलाके में पहुंच गया
तो वो हर एक इंसान पर कब्जा करके पूरी पृथ्वी को हथिया लेगा। मैक ने ठान लिया कि वो मर जाएगा लेकिन एलियन को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगा। उसने कुक और कमांडर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसके तहत उन्हें उस पूरी जगह को गर्म करना था ताकि एलियन ठंड में जम ना पाए। उन्होंने पहले तो उस एलियन शिप को सुरंग के साथ बॉम्ब से उड़ा दिया, फिर रिसर्च बेस के सारे कैबिन्स को आग के हवाले करके अंत में वे तीनों रिसर्च बेस के तहखाने में जा पहुंचे और वहां TNT बॉम्ब फिट करने लगे। वे तीनों अलग अलग जगहों पर बॉम्ब फिट कर रहे थे तभी अचानक सीनियर बायोलॉजिस्ट का रूप लिए वो एलियन कमांडर के पीछे आ खड़ा हुआ। एकाएक एलियन ने अपने हाथ कमांडर के चेहरे में घुसा दिए और उसे अपने अंदर सोखता हुआ खींचकर अपने साथ ले गया। उसकी आहट पाकर वहां थोड़ी दूर मौजूद कुक डरा सहमा उस आहट के पीछे चला गया। इधर बॉम्ब को ट्रिगर से जोड़ रहे मैक को भी थोड़ी दूर से आती कुछ आवाजें सुनाई दी। खतरे को भांप कर उसने तुरंत अपने हाथ में रखे बॉम्ब की बत्ती जला दी। तभी एकाएक जमीन को फाड़ती कोई चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैक तुरंत उसके रास्ते से दूर कूद पड़ा जिससे उसका बॉम्ब भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अगले ही पल एक दैत्यकार एलियन जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। उस एलियन का आधा सिर सीनियर बायोलॉजिस्ट का था और आधा एक खूंखार जानवर का। तभी उसके पेट को फाड़कर एक बिना खाल का कुत्ता बाहर निकला। उसे देख डर के मारे मैक की आत्मा तक कांप उठी। इससे पहले कि वो एलियन बाकियों की तरह मैक को भी अपने अंदर सोख लेता, मैक ने अपना जलता हुआ बॉम्ब उस पर दे मारा और वहां से भाग निकला। इसी के साथ एक भयंकर धमाका हुआ और एलियन के साथ साथ वो पूरा रिसर्च बेस जलकर खाक हो गया। खुशकिस्मती से मैक उस धमाके से बच निकला। वो अपनी शराब की बोतल लेकर एक कोने में बैठ गया। तभी मैकेनिक जो अब तक गायब था वो अचानक फ्लेम थ्रोअर लेकर मैक के सामने आ खड़ा हुआ। मैक ने उससे पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? इस पर मैकेनिक ने बताया, कुछ देर पहले मुझे सीनियर बायोलॉजिस्ट बाहर भागता हुआ दिखा था। उसका पीछा करते हुए मैं बेस कैंप से बाहर चला गया लेकिन मैं तूफान में गुम हो गया था। खुशकिस्मती से यह धमाका मुझे रास्ता दिखाते हुए यहाँ वापस ले आया। हालांकि उन दोनों को ही एक दूसरे पर एलियन होने का शक था लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे एक दूसरे का भेद खोल पाए। वैसे भी आग के बुझते ही वे दोनों ठंड में जम जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की। वे बस शराब के घूंट लगाते हुए मौत के इंतजार में वहीं बैठे रहे। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।